हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। हर सुबह उठते दिमाग में यही बात रहती है, क्या बनाया जाए जो कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो और झटपट बनकर तैयार भी हो जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीन्स की टेस्टी, हेल्दी और झटपट बनने वाली सब्जी की रेसिपी। इस सब्जी को बनाने के लिए हमें लेना है एक पैन, और इस पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 2 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का फाइन चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भूनना है। प्याज को बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनना है। करीब 4 मिनट तक प्याज को भूनने के बाद अब प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को मीडियम फ्लेम पर ही 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो केवल आप अदरक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह पर चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन भी ऐड किया जा सकता है। करीब 1.5 मिनट के बाद अब प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और अब हम ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लो फ्लेम पर ही मसालों को हमें करीब 1/2 से 1 मिनट तक पकाना है। 1 मिनट तक मसालों को पकाने के बाद अब हम ऐड करेंगे 250 ग्राम चॉप की हुई बीन्स, 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करना है। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बीन्स की ये सब्जी लंच बॉक्स के लिए या फिर सफर में ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है, क्योंकि इस सब्जी को पकाने के लिए पानी का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए ये ज्यादा टाइम तक खराब नहीं होती है। बीन्स की ये सब्जी बहुत ही न्यूट्रिटिव भी होती है, क्योंकि जहाँ बीन्स विटामिन रिच होती हैं तो वहीं दूसरी तरफ बेसन प्रोटीन रिच होता है, और ये बहुत ही आसानी से झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। अब हमें सब्जी को लो मीडियम फ्लेम पर कवर करके पकाना है, और सब्जी को पकाते समय हर 2 मिनट के बाद हमें सब्जी को एक बार मिक्स करते रहना है, क्योंकि हमने इस सब्जी में बेसन ऐड किया है और बेसन पैन की सतह में चिपकने लगता है, इसीलिए सब्जी को हर 2 मिनट के बाद इस तरह से मिक्स करना है। सब्जी को मिक्स करने के बाद हम फिर से पैन को कवर करेंगे और गैस की फ्लेम को हमें लो मीडियम ही रखना है। सब्जी को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं, और 8 मिनट में बीन्स पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती हैं और बेसन भी अच्छी तरह से पक जाता है। अब हम 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच हम ऐड करेंगे गर्म मसाला। आमचूर पाउडर और गर्म मसालों को बीन्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम 1 मिनट के लिए सब्जी को फिर से कवर करेंगे और गैस की फ्लेम लो रखेंगे। 1 मिनट में सब्जी गर्म मसाले के फ्लेवर को बहुत ही बढ़िया ढंग से अब्सॉर्ब कर लेती है। मिनटों में बीन्स की बेसन वाली सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, और ये बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। बीन्स की बेसन वाली इस सब्जी की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।